हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल पे, जहाँ हम आर्ट से रिलेटेड ढेर सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही रेयर पिक हमें आज ड्रॉ करने की ऑर्डर मिली थी। दोस्तों मैंने एक पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि एक मजनू भाई की ड्रॉइंग हमने स्टार्ट करी थी, उसी दरमियान मुझे एक अर्जेंट ऑर्डर वर्क मिला था दोस्तों। तो उसी के चलते मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये बहुत ही पुरानी दो अलग अलग इमेजेस हमें मिली थी दोस्तों, यहाँ पे शो भी हो रही होंगी। एक दोनों बहुत ही पुरानी इमेज है दोस्तों, तकरीबन 100 साल पुरानी दोनों अलग अलग इमेजेस है। तो उसको मैंने क्लियर करके एक काइन मास्टर ऐप आता है दोस्तों, उसमें एक फ्रेम में उनको मिक्स करके एक प्रिंट निकाला, फिर उसके बाद में उसको मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे इसमें आई नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट इसका बहुत ही बढ़िया आया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये ड्राइंग बनी है दोस्तों, ये देखिए। तो बहुत ही रेयर वाली ये पिक मैंने ड्रॉ करी है दोस्तों। तो इसको मैंने किस तरह से ड्रॉ किया, इस वीडियो में आपको सारी बातें मैं सिखाऊंगा। अगर आपको कोई इस तरह से पुराने पिक की ऑर्डर देता है दोस्तों, तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऑर्डर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ नए नए तरीके हमें इससे समझने में आते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर कोई ब्लर इमेज आपको ड्रॉ करने के लिए कोई कहता है दोस्तों, तो उसको एक स्टेप आप फॉरवर्ड चले जाते हो, क्योंकि आपको एक एडवांटेज उसमें मिलता है कि उस ब्लर पिक को आपको क्लियर करना होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप काम करने लग जाते हो दोस्तों। तो एक नया रास्ता आपको मिल जाता है वहाँ पे, कुछ नई चीज़ सीखने का। अगर कुछ अलग अलग दो इमेजेस आपको मिल जाती है, उसको एक फ्रेम में आपको ड्रॉ करना है, तो वो भी आपको करना चाहिए दोस्तों। तो किस तरह से इस पिक को हम ड्रॉ करेंगे, किस तरह से हमें कौन कौन से टूल्स हमें इसमें यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए प्रिपेयर करता रहता हूँ। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये बहुत पुरानी इमेज थी दोस्तों, तो मैंने रिमिनी ऐप का यूज़ करके इसको क्लियर किया। 2 या 3 बार मैंने उसको फिल्टर किया दोस्तों, तब जाके उसके सारे डिटेल्स मुझे वहाँ पे उस ऐप से मिली है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से वो क्लियर हो गया है, और मैंने कुछ हद तक उसको अभी आउटलाइन बना लिए है दोस्तों। तो हम फेस के भी डिटेलिंग करने वाले हैं, जिसके लिए मैं 2B, 4B, 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले जो भी मसल्स मुझे प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको हाईलाइट करूंगा दोस्तों, उनको मैं प्रिपरेशन ठीक तरह से बना लूंगा, और हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करता जाऊंगा दोस्तों। और इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड पेपर का यूज़ किया है दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया होता है, और वो काफ़ी हार्ड पेपर होता है दोस्तों, नॉर्मल पेपर से उसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसके ऊपर ड्राइंग्स बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, तो मैं कार्डबोर्ड का यूज़ करता हूँ। और आइज ड्रॉ करने के लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है दोस्तों। ये चारकोल पेंसिल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपके पास नहीं हो तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो दोस्तों। और उस चारकोल पेंसिल से हमें बहुत ही एक्सट्रीम डार्क डेप्थ हमें मिल जाती है, जो कि आइज की डिटेलिंग फिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों। तो चारकोल पेंसिल भी आपके पास में होनी चाहिए। और ये मोंटे कार्लो की 6B पेंसिल है दोस्तों, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है दोस्तों, लेकिन मैंने बाय करी है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ इसको हम चला सकते हैं, और इसकी रेंडरिंग भी काफ़ी बढ़िया होती है। और इसकी लीड जो है दोस्तों, वो काफ़ी स्मूथ होने की वजह से हल्के हल्के हाथों से ड्रॉ करना पड़ता है दोस्तों इसको, लेकिन ड्रॉ करते समय इसकी फिलिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तों। तो ये भी एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास में 2B, 4B, 6B की एक नॉर्मल पेंसिल है दोस्तों, तो वो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से फेस हमें देखिए दोस्तों, अब मैंने चेक्स के ऊपर जो भी मसल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो मैंने 4B पेंसिल से ड्रॉ करे हैं। और इसी तरह से आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही मसल को फील करते जाना है, तब जाके आपकी जो भी
आपकी इमेज है वो ठीक तरह से नोटिफाई होती जाएगी दोस्तों, और आपको वर्क करने में मज़ा आता जाएगा। तो इस तरह से फोरबी पेंसिल का यूज़ करके मैं सारी डिटेलिंग फिल करता जा रहा हूँ दोस्तों, मसल्स को ड्रॉ करते जा रहा हूँ। एयर में बहुत ज़्यादा डेप्थ है तो उसी को उसी तरह से हम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। मोंटे कार्लो पेंसिल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको ग्रिड यूज़ करने हो दोस्तों, तो आपके लिए एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा दोस्तों, आर्टिस्ट ग्रिड करके, उसका यूज़ करके आप ग्रिड बना सकते हो। और कौन सी साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ में आप अपने ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। तो मैं आर्टिस्ट ग्रिड ऐप का यूज़ करता हूँ ग्रिड यूज़ करने के, ग्रिड बनाने के लिए काफ़ी हद तक इजी वर्क हो जाता है दोस्तों। उसमें ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक ग्रिड भी आप वहाँ से आप बना सकते हो। अगर आपको नॉर्मल ग्रिड में ड्रॉ करने में दिक्कत आती हो तो आप एक ग्रिड करके ग्रिड का भी यूज कर सकते हो। तो तकरीबन फेस हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक के ऊपर वर्क करते जाएंगे दोस्तों। और हाँ, आपके पास में मेकअप ब्रश हो तो स्मूजिंग के लिए उसका यूज़ करें, क्योंकि मेकअप ब्रश से स्मूजिंग बहुत ही बढ़िया होती है। हाईलाइट के लिए चारकोल वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करें। ये हैट को ड्रॉ करने में मैंने हाईलाइट करने में मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। ये सारा मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको एक बिगनर से अगर आपकी जर्नी स्टार्ट करते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हो, तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास में वो सारे हैंड टूल्स होने चाहिए जो हमें फॉरवर्ड होने में हेल्प करते हैं दोस्तों। तो ये सारा मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, तो अगर आप बाय करना चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो। अब हम इनके कोट में जो भी इन्होंने जर्सी पहनी है दोस्तों उसके ऊपर वर्क करेंगे दोस्तों। तो काफ़ी फेंट सी शेडिंग मुझे वहाँ पर दिखाई दे रही है, ज़्यादा डार्क टोन नहीं है, लाइट टोन है। तो मैं उसका फोरबी पेंसिल का यूज़ करके उसको फील करूँगा। ज़्यादा डिटेलिंग उसमें दिखाई दे नहीं रही है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं इसको नहीं बनाऊँगा। तो आप भी अगर आपके पास में इस तरह से पिक आते हो तो उसको प्ले फील कर सकते हो दोस्तों। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने जाओगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, या फिर वो कुछ अटपटा सा लगे, या फिर मिसमैच हो जाए। तो जो भी हमें ईजी वर्क लगेगा वो उस तरह से ईजी वे से हम जाना पसंद करेंगे दोस्तों। तो तकरीबन इस कोट को हमने ड्रॉ कर लिया है दोस्तों, सारी लाइट शेडिंग से उसको फोरबी पेंसिल का यूज़ करके लाइट टोन मैंने उसमें फिल करी है दोस्तों। हाँ, और उसके कॉलर के नीचे थोड़ी सी शाडो दिखाने के लिए मैं मोंटे कार्लो पेंसिल का यूज़ करूँगा 6B से, क्योंकि उसकी कॉलर और कोट की जो शेडिंग है दोस्तों वो प्रॉपर लगे। तो आप भी इस तरह से ड्रॉ करने का प्रयास करें। और एक फिगर हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, तो चलते हैं अगले फिगर की तरफ। और आइस बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे चारकोल पेंसिल से मैंने आइस की पर्पल बनाई है दोस्तों। और आइस में की पर्पल में जो भी डिटेल्स दिखाई देती है दोस्तों, उसको ठीक तरह से अगर ड्रॉ करोगे, प्रॉपर तरीके से आइस ड्रॉ करोगे दोस्तों, डिटेलिंग ठीक तरह से फील करोगे, तो उसका लुक बहुत ही बढ़िया उभर के आएगा दोस्तों। तो यही फंडा हमें यूज़ करना होता है, इसके लिए प्रॉपर हैंड टूल्स हमारे पास होने बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। क्योंकि जितना नज़दीक आप रियल इमेज के पहुंच सकते हो, हमें जहाँ पहुंचना चाहिए 80-90% तक हमें रियल इमेज तक ड्रॉ करते आना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से हम मसल पहले फील करेंगे, जो भी मुझे मसल दिखाई दे रहे हैं उसको मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप आगे जाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। यहाँ पे भी 2B 4B 6B का पेंसिल का ही मैं यहाँ पे फेस में यूज़ करूँगा। जो भी हमें डिटेलिंग फेस में दिखाई देती है उसको मैं पहले नोटिफाई कर लूँगा दोस्तों। और हेयर ड्रॉ करने के लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, चारकोल पाउडर का यूज़ किया है दोस्तों। चारकोल पाउडर अलग से मिलती है मार्केट में दोस्तों, और चारकोल टिक्स जो होती है दोस्तों वो बहुत ही सस्ती तरह से हमें मिल जाती है। तो ये तकरीबन 20 रुपये में चारकोल टिक्स हमें मिल जाती है दोस्तों, जो कि हमें
एक्सट्रीम डेप्थ देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसको हम हेयर में ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो चारकोल पाउडर 300 to 400 तक उसका एक्सपेंसिव हमें देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप चारकोल स्टिक का यूज़ कर सकते हो तो उसको बस 20 rupees में आपको मिल सकती है दोस्तों। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है, तो मैं चारकोल स्टिक का ही यूज़ करता हूँ और उससे मुझे प्रॉपर ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, मूवमेंट देने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है दोस्तों। चारकोल पाउडर को हमें कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े आपके आर्ट के करियर में दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर एक्सट्रीम डेप के लिए आप चारकोल स्टिक्स का यूज़ करें। तो कुछ हद तक मैंने फेस को ड्रा कर लिया दोस्तों, एक लेयर मैंने फेस में दे रखी है। अब उसको हम डेप देने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो भी हमें फेस के अंदर डिटेलिंग दिखाई दे रही है दोस्तों, उसको हमें प्रॉपर ड्रॉ करने का प्रयास करना है। जैसे कि ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी शाडो देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सारी फेस को ठीक तरह से ऑब्जर्व अगर आप करते हो तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप ही सीख जाओगे। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों ये आर्ट के फील्ड में। तो सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए और उसी तरह से हमें प्रॉपरली ड्रॉ करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। तो तकरीबन इस फेस को भी हमने ड्रॉ कर लिया है दोस्तों। मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमें करना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी इमेज में चाचा और आंटी की जो क्लोथ है दोस्तों, उनमें शेडिंग जो है वो सेम तरह से लग रही है दोस्तों। तो मुझे लगा कि एक इमेज की क्लोथ हम लाइट टोन में ड्रॉ करेंगे और एक इमेज की क्लोथ हम डार्क टोन में यूज करेंगे दोस्तों, ड्रॉ करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही पुरानी और ओल्ड एज इमेज ना लगे, ऐसा लगे कि ये कुछ महीने पहले खींची हुई तस्वीर हो। तो मुझे लगा कि मैं इस साड़ी में जो है वो चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा, चारकोल स्टिक का यूज़ करूँगा और उसको एक्सट्रीम डार्क अगर मैं उसको करता हूँ तो उसके ऊपर जो डिज़ाइन है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट करेगी। तो उसी तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है चारकोल स्टिक का, पहले इसको फिल करके उसके ऊपर मैं अभी इरेजर पेंसिल से सारी डिटेलिंग फिल करता जा रहा हूँ दोस्तों। तो जो भी मुझे डिज़ाइन साड़ी में दिखाई दे रही है वो हल्के हल्के हाथों से मैं उसको ड्रॉ करता था, उसका इफेक्ट देने का मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो उसके लिए मुझे इरेजर पेंसिल का बहुत ज़्यादा हेल्प होती जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही इजी तरह से मैं इसकी डिज़ाइन ड्रॉ करता जा रहा हूँ। तो आपके पास में एक इरेजर पेंसिल भी होनी चाहिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो अगर आप बिगनर हो, अगर आपको आर्ट में करियर करना हो, तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें, सारे हैंड टूल्स आपके पास में होने चाहिए दोस्तों, जो कि हमें पुश करने में हेल्प करते हैं। तो सारा मटेरियल टेस्ट किया हुआ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। तो तकरीबन सारी भी मैंने अभी ड्रॉ कर ली है दोस्तों, सारी डिज़ाइन मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से हमें इफेक्ट मिलता जा रहा है और बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर इफेक्ट मिला है दोस्तों। दोनों इमेजेस का लुक तकरीबन 90 to 95% तक सही लग रहा है दोस्तों। तो होप यू आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।